हिम्मत और हौसले बुलंद हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। 80 साल के बाबा करम सिंह के साहस और जज्बे को सलाम। जूते बनाकर गुजारा कर रहे हैं 80 साल के बाबा करम सिंह। भरा पूरा परिवार होते हुए भी अकेले जिंदगी काटने को मजबूर। जब सहारे की जरूरत थी तो बच्चों ने ही साथ छोड़ दिया। बढ़ती उम्र के साथ उनके लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है। करम सिंह ने सरकार व समाज सेवी संस्थाओं से मदद की गुहार लगाई। ज्ञानी सच बोल गए हैं, हिम्मत और हौसले बुलंद हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हम बात कर रहे हैं मानसा के भिकी कस्बे के बाबा करम सिंह की। 80 साल के करम सिंह जूते बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। करम सिंह बस स्टैंड के पास जूते बनाकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। करम सिंह ने कहा कि उन्होंने शुरू से कभी अपना काम एक दिन भी बंद नहीं किया। बच्चों की शादी करवा कर अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन बच्चे भी उनकी खैरियत नहीं पूछ रहे हैं और ना ही देखभाल करते हैं। बच्चे उनसे अलग रहते हैं। मैं जी हां, उसे जूतियां का काम करके जहाज गुजारा करते हैं। परिवार च कौन कौन है? हूं तो इस वक्त ते दो ही हैं, वो तो 6-7 साल हो गए छड गए। कौन सीगा परिवार च पहला? पहला मुंडा भी थे, नूह भी थी, पोता भी थी। करम सिंह ने 80 साल की उम्र में भी अपनी मेहनत के जज्बे को सलामत रखा है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनके लिए काम कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। उम्र के जिस पड़ाव में करम सिंह को सहारे की आवश्यकता थी, उस उम्र में करम सिंह के परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया। दुखी मन से करम सिंह ने कहा कि अब उनसे काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सरकार और समाज सेवी संस्थाओं से मदद की गुहार लगाई है। लोगों की कहोगे जेडे मेहनत करके राजी नहीं? तुसी 80 साल दी उम्र च मेहनत कर रहे कहां गए? जे हक है कह देंगे भी भाई मेहनत करके खाओ, हक है। जो असी करते 80 साल दे, तुसी भी मेहनत क्यों नहीं करते? मेहनत करो, मेहनत करके खाओ, सबको मिलू मेहनत ना। हालात बाबा हुण भुखा मरदा, हुण उहदा ढिड दा गुजारा तां करना ही है, करके खा रहे। ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਇਆ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਜੇ ਚਲੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕਰਨ ਹੋਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਜਦ ਕੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹਤੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰਨ।